पैरेगोनी के अंदर देखा गया है एक नया टैलेंट। क्या आप इस टैलेंट के बारे में जानने के लिए तैयार हैं या नहीं? अगर तैयार हैं तो हो जाइए, अगर तैयार है तो वीडियो देखिए, और अगर नहीं तैयार है तो भी इस वीडियो को देखिए, आप भी तैयार हो जाएंगे। नमस्कार, मैं मृदम ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। दरअसल बिग बॉस के घर में जब सर्वाइवल टास्क चल रहा था, और ये कल की बात है, यानी कल का जो एपिसोड आया है ये वहां की बात है, शायद से आपने कैप्चर नहीं किया होगा, लेकिन मैंने उस चीज को कैप्चर किया और आप लोगों के सामने लेकर आई। राकेश सावंत ने जूली वाला नाटक किया था कि देखो जूली आई है, उनके अंदर एक अलग कैरेक्टर में चली गई थी, जिसके बाद में जब घर वाले कहीं ना कहीं भूख के मारे शांत बैठ चुके थे, तो वहां पर थोड़ा सा फनीस्ट मोमेंट चल रहा था, जहां पर यहाँ पर राखी सावंत को एली होनी कहते हैं कि तुम ठीक है, मैं यहाँ पर लेट जाता हूँ और तुम ऐसे करो जैसे कि तुम मेरे अंदर से आत्माएं निकाल रही हो। तो यहाँ पर पहली आत्मा जो आती है यहाँ पर वो राहुल वैद्य उनके अंदर डालते हैं, जो कि एक शैतानी आत्मा होती है, और जहां पर एली होनी जो है वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं यहाँ पर फनी चीजें करते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर राखी सावंत कहती है कि यार तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर रुबीना की आत्मा आए, तो यहाँ पर एली कहते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर रुबीना की आत्मा आए। बता दो आपको कि रुबीना की मिमिक्री भी करते हुए नजर आए हैं यहाँ पर एली होनी, और फन क्रिएट कर रहे थे। देन उसके बाद में विकास गुप्ता की आत्मा उनके अंदर आई है, और विकास गुप्ता किस तरीके से घर के अंदर रहते हैं कि अरे बिग बॉस मुझे दवाई की जरूरत है, बिग बॉस ये, और रुबीना दिलाई का एक सेकेंड। सो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा फनीस्ट मोमेंट था, जहां पर मुझे लगता है शायद से रुबीना और विकास को ये चीज अच्छी नहीं लगी है, लेकिन बाकी सब तो मजे ले रहे थे। सो गाइस आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने अगर ये देखा है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि एली ने जो रुबीना और विकास की एक्टिंग की है वो आपको कैसी लगी है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।